वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है सीएम रुगेश मदलानी। वार्म वेलकम एवरीवन टू लेक्चर्स ऑफ ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। जो लोग मुझे नहीं जानते, राइट, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ जस्ट फॉर 10 सेकेंड्स ताकि आपको समझ में आए। मैं पिछले 9 सालों से सीए के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। आई हैव टॉट मोर देन 50,000+ स्टूडेंट्स इन लास्ट 9 ईयर्स एट सीए इंटर। बेसिकली आई टीच 2 सब्जेक्ट्स, I teach auditing and assurance and of course EISSM. Now without wasting any time, directly हम subject की बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, right? मेरे बारे में तो आप धीरे-धीरे जान भी जाओगे, okay? So let's learn about auditing and assurance. दोस्तों, कोई भी subject चालू करने से पहले हमें पता होना चाहिए ये subject का relevance क्या है। Why am I learning this subject? Number one reason, ICI के syllabus में। कमोन, ये तो सबको पता है कि आईसीआई के सिलेबस में, बट हर सब्जेक्ट की एक कहानी होती है, एक दास्ता होती है, एक जुस्तजू होती है, एक हिस्ट्री होती है, एक नीड होती है। और ये हम आज जानने का प्रयास करेंगे कि ऑडिट सब्जेक्ट जीवन में क्यों जरूरी है, क्यों ऑडिट एक सीए का ब्रेड एंड बटर होता है, ऑडिट सब्जेक्ट का इतना महत्व क्यों है, क्या रियल लाइफ में ये सब्जेक्ट उतना ही काम का है, ये सीए इंटर में भी है, सीए फाइनल में भी है, ऐसा तो क्या है इस सब्जेक्ट के अंदर। दोस्तों, आज आपके जितने भी सवाल होंगे, हर सवाल का आपको जवाब मिलेगा। कोई भी सब्जेक्ट में 2 चीजें होती है, व्हाट एंड व्हाई। व्हाट, सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या लिखा गया है वो तो ठीक है, दूसरा होता है व्हाई, क्यों, व्हाई शुड वी लर्न दिस सब्जेक्ट। तो आज मैं आपका व्हाई क्लियर करूंगा, क्यों ये सब्जेक्ट इतना रेलेवेंट है, क्यों इसको इतना तवज्जो दिया गया है, क्यों ये सब्जेक्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट माना जाता है। ऐसा बोलते हैं कि सीए का पूरा जीवन ऑडिट करते करते ही निकल जाता है। भाई ऐसा तो क्यों है, ऑडिट को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है, ये सब सवालों के जवाब आज आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे इस लेक्चर के। और कोई भी सब्जेक्ट चालू करने से पहले हमें एटलीस्ट उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, तो सब्जेक्ट का एक इंटरेस्ट होता है, तो सब्जेक्ट के लिए चाहत बढ़ती है, सब्जेक्ट के लिए प्रेम बढ़ता है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट राइट अवे। यस गाइस, वेलकम वन मोर टाइम टू द वर्ल्ड ऑफ ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस बाय सीएम रुगेश मदला। लेट्स स्टार्ट। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अब हम डायरेक्ट चालू करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। ओके, बहुत मजा आने वाला है आपको, ये सब्जेक्ट इतना प्रैक्टिकली पढ़ेंगे कि आपको लगेगा ओ माय गॉड। प्लस मेरा दावा है आपको हर चीज समझ में आएगी, नंबर टू प्रैक्टिकली समझ में आएगी, नंबर थ्री खाली समझ में नहीं आएगी, लर्न भी हो जाएगा, हर चीज में आपको करवाऊंगा, बी रेस्ट एश्योर। एक कंपनी का स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। देखो, कोई भी पब्लिक लिमिटेड या लिस्टेड कंपनी कैसी होती है, तो कंपनी को मैनेज करने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, राइट, ये बहुत सारे डायरेक्टर्स है जो काम कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। बट कंपनी को मैनेज करने वाले जरूर ये हैं, बट कंपनी के मालिक कौन होते हैं दोस्तों, शेयर होल्डर्स। ये देखो कितने सारे शेयर होल्डर, अब कुछ आते हैं कुछ जाते हैं, अगर आप शेयर लो तो आप इसमें ऐड हो जाओगे, अगर आप शेयर बेच दो तो आप इसमें से माइनस हो जाओगे। सर, कंपनी के मालिक शेयर होल्डर हैं तो मैनेज डायरेक्टर क्यों करते हैं, अरे कितने सारे शेयर होल्डर है यार, आप समझो ना, राइट। रिलायंस के अंदर करोड़ों शेयर होल्डर है, अगर करोड़ लोग रिलायंस मैनेज करने आ जाए तो मुकेश भाई बाहर चले जाएंगे, राइट। एक माली आ गया, एक बारबर आ गया, एक फार्मर आ गया, एक पेंटर आ गया, इतने सारे लोग रिलायंस को मैनेज करेंगे तो रिलायंस क्या करेगा, आर यू क्लियर। इसीलिए कुछ विद्वान लोग अपॉइंट होते हैं मैनेज करने के लिए, शेयर होल्डर के पैसे का ध्यान रखने के लिए, कंपनी के अफेयर्स को गवर्न करने के लिए, और उन लोगों को हम क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हु आर अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स, राइट। सो अभी के लिए इतना आई थिंक क्लियर है। ओके, बहुत छोटा सा, कंपनी मैनेज कौन करेगा, डायरेक्टर, और मालिक कौन होते हैं, छोटे मंजू वाले शेयर होल्डर्स जो बहुत मेहनत से कंपनी में पैसा डालते हैं, ये बिलीव करने के लिए कि कंपनी बहुत प्रगति करेगी, डायरेक्टर्स बहुत मेहनत करेंगे। पर कुछ ऐसे केस है जिसमें बहुत पैसा गया है, ये हब ब्रांडेड कंपनी के एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें लोगों ने पैसा डाला, 95% से ज्यादा उनका पैसा डूब गया, मोर देन 95% इन लास्ट 1 ईयर। एग्जांपल लेंगे DHFL का, एग्जांपल लेंगे यस बैंक का, एग्जांपल लेंगे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का,
एग्जाम्पल लेंगे सीसीडी का और एग्जाम्पल लेंगे मनपसंद बेवरेजेस का। हमने कुछ नहीं किया, हमने बहुत रिसर्च किया और फाइंड आउट किया इसमें शेयर होल्डर के मैक्सिमम पैसे गए। सर तो किंगफिशर भी आएगा, वेरी गुड, नीरव मोदी भी आएगा, बट देखो ये सब किंगफिशर और ये सब क्या है, पुराने केस है, हमने लास्ट वन ईयर के रेडार में रखा है और हमारी रिसर्च टीम ने इतना एनालिसिस किया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट राइट अवे। इसमें मेरा एक सवाल है आपसे, ऑडिट किया है तो भी इतने पैसे गए हैं, सोचो ऑडिट ही नहीं होता तो। पहले ऑडिट का बेसिक मतलब क्या होता है ये तो आपको पता होगा, चेक करना, आर यू क्लियर, सब काम बराबर हो रहा है कि नहीं चेक करना। आप भी आज काम करते हो तो आपके मम्मी पापा कॉन्स्टेंट निगरानी रखते हैं कि भाई आप बराबर काम कर रहे हो कि नहीं, एवरीथिंग इज गोइंग इन अ प्रॉपर वे और नॉट, थोड़ा भी उनको कुछ डाइसी लगे, डाउटफुल लगे, 10 सवाल पूछते हैं आपसे। सेम वे कंपनी का भी एक इंडिपेंडेंट इंसान ऑडिट करना चाहिए। देखो ऑडिट करने के बाद इतने घफले हुए हैं, सोचो ऑडिट ना होता तो ये देश बेच के आ जाते। ठीक है, ज्यादा मैं कंट्रोल करूंगा बिकॉज मुझे आज बहुत पढ़ा लिखा है। ओके, केसेस जिसमें बहुत पैसा गया है पिछले एक साल में, नंबर वन दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, क्या बोले इनके बारे में, DHFL, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, दिस इज अ कंपनी ओन्ड बाय कपिल वाधवान, अरुणा वाधवान और धीरज वाधवान, ये तीन इनके प्रमोटर्स हैं और इनका ब्रांड एम्बेसडर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, रोमांस का बादशाह किंग खान शाहरुख खान। अब दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इतनी अच्छी कंपनी थी, आई रिमेम्बर एक मेरे काका थे जो बोलते थे इसके शेयर ले ले तो बहुत प्रगति होगी, एक बहुत ब्रांडेड कंपनी। सितंबर 2018 की बात है, लेट मी राइट अ लिटिल, यू विल अंडरस्टैंड बेटर। इनकी शेयर प्राइस हुआ करती थी, आप शॉक हो जाओगे जब मैं ये बोलूंगा, 700 रुपए, और लोग बोल रहे थे और ऊपर जाने वाला है। तब भी सितंबर 2018 में खराब न्यूज है, डीएसपी म्यूचुअल फंड जो है, ओके, डीएसपी ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड नाम की एजेंसी है, प्राइवेट इक्विटी एजेंसी है, डीएसपी ब्लैक रॉक ने जितने भी बॉन्ड थे वो सब बेच दिए। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपको नहीं पता तो, कंपनी दो तरीके से, बहुत सारे तरीके से पैसा रेस करती है, एक तो शेयर इश्यू करके पैसा मंगा सकती है शेयर होल्डर से, कभी कभी बॉन्ड भी इश्यू करती है। तो डीएचएफएल ने बॉन्ड इश्यू किए होंगे और उसको लिया था डीएसपी ब्लैक रॉक ने। अब डीएसपी ब्लैक रॉक एक बहुत फेमस नाम है, डीएसपी ब्लैक रॉक ने सितंबर 2018 में सब शेयर बेच, सब बॉन्ड्स बेच दिए, जितने भी बॉन्ड थे वो बेच दिए। अब जैसे ही बॉन्ड बेचे डायरेक्टली लोगों को लगा कुछ तो डाइसी है और शेयर की प्राइस धड़ाम करके नीचे आ गई 140 रुपए, आई थिंक 60-70% का फॉल हुआ था एक ही दिन में। लोगों को लगा ये बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, DHFL जबरदस्त प्रगति कर रहा है, आर यू क्लियर, इतने सस्ते में शेयर मिलेंगे नहीं, सेल में मिलते हैं तो हम टूट पड़ते हैं ना, आर यू क्लियर, लोग टूट पड़े 140 पे और खरीदा और खरीदा और खरीदा और खरीदा। और जैसे ही और खरीदा, जनवरी 2019 में एक इंडिपेंडेंट एजेंसी, एग्जैक्टली नेक्स्ट साल के स्टार्टिंग में, कोबरा पोस्ट, आपने नाम सुना होगा, कोबरा पोस्ट ने बोला 31,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ है DHFL में, साइफन ऑफ हुए हैं फंड, फंड का घपला हुआ है और इसीलिए शायद अंदर वालों को न्यूज पहले होती है, इसीलिए डीएसपी ब्लैक रॉक ने सब बॉन्ड्स बेच दिए थे। अब जैसे ही 31,000 करोड़ का आया, राइट, डीएचएफएल एज यूजुअल हल मालिक क्या बोलता है, मैंने फ्रॉड नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, और जैसे ही ये न्यूज बाहर आई कोबरा पोस्ट ने बहुत सारे आरोप लगाए उन पे, राइट, और जैसे ही उन पे आरोप हुए सेबी ने बोला एक इन्वेस्टिगेशन ऑडिट होना चाहिए, ऑडिट का मतलब इंडिपेंडेंट एजेंसी जांच पड़ताल करेगी, चेक करेगी कि क्या जो कोबरा पोस्ट ने बोला है वो सही है या नहीं, और एक इंडिपेंडेंट एजेंसी KPMG जिसको बोलते हैं, देखो बिग फोर चार होती है, टॉप चार फर्म वर्ल्ड के अंदर जो एक्सपर्ट है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग प्रोफेशन, उन टॉप चार में आता है ENY, KPMG, PwC, Deloitte। आपको नहीं पता तो मैं ENY से ही आर्टिकलशिप कर चुका हूं और मैं CA होने के बाद भी ENY में ही था, उसके बाद ऑफ कोर्स टीचिंग में आ गया, Ernst & Young जैसे बोलते हैं। ये टॉप चार इतनी अच्छी होती है कि इसके अंदर आपको आर्टिकलशिप मिल गई तो आपका स्टार्टिंग स्टाइपेंड कुछ 15,000 होता है, आर्टिकलशिप में मिलता है ना पैसा। ओके,
चलो कोई बात नहीं, ये सब बातों को छोड़ो, वापिस एक बार आओ। उन्होंने बोला बिग फोर इसकी जांच पड़ताल करे, केपीएमजी को इन्वेस्टिगेशन ऑडिट दिया गया, राइट, कि चेक करो ऐसा हुआ था कि नहीं। केपीएमजी ने चेक किया और बोला कि हाँ 25 कंपनी को लोन दिया गया था 14,000 करोड़ का, 25 कंपनी को 14,000 करोड़ का लोन दिया गया था जिसमें से खाली प्रॉफिट हुआ 1 लाख। 14,000 करोड़ की लोन दो और 1 लाख ही प्रॉफिट हुआ, यानी बहुत सारी डमी कंपनीज क्रिएट की गई थी और डमी कंपनी से पैसा वापस इनकी ही कंपनी में आ रहा था, इनकी प्रमोटर कंपनी में। आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको समझाता हूं। ये देखो क्या हुआ था एकदम, आपको जो मैं अंदर लेके जाऊंगा ना बहुत मजा आने वाला है आपको। ये तीन लोग हैं, कपिल वाधवान, अरुणा वाधवान और धीरज वाधवान। सर ये तीनों किसके मालिक हैं? DHFL। अब DHFL ने बहुत सारी डमी कंपनी बनाई जिनको लोन दिया। आप सोचो ना कितनी सारी डमी कंपनी, हम नाम ले लेते हैं ABCD ऐसा कुछ। अब इन कंपनीज को पैसा दिया ABCDE, ओके, ये शेल कंपनी है यानी खाली पेपर पे कंपनी है, एक्चुअली कामकाज कुछ नहीं है, डायरेक्टर भी है बट करते कुछ नहीं है, ये शेल कंपनी। शेल कंपनी को डमी कंपनी बोलते हैं, डमी कंपनी यानी खोखली कंपनी जिनका एग्जिस्टेंस नहीं है। अब देखो आपको ये सब समझ में नहीं आया तो कुछ अंदर बहुत डिटेल में नहीं है, बट खाली ये समझना कि ऑडिट क्यों जरूरी है। आज पूरा लेक्चर में आपको खाली एक ही चीज कन्विंस करूंगा कि आपका रोल कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब्जेक्ट का महत्व कितना है, ये सब्जेक्ट की आरजू क्या है, ये सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस इतना क्यों है। आर यू क्लियर? और ये शेल कंपनी को लोन दी, ए को, बी को, सी को, डी को, पी को। ये शेल कंपनी ने क्या किया, बहुत सारी एसेट्स परचेस की इंग्लैंड में, सिंगापुर में, मलेशिया में, या फिर इन्हें पैसे डाले, इनकी कंपनी में पैसे डाले। DHFL के मालिक कपिल, अरुणा और धीरज वाधवान, इनकी भी कुछ कंपनीज थी, ये लोग ने इनकी कंपनी में पैसे डाले। यानी DHFL ने क्या किया, शेयर होल्डर के जो पैसे थे उससे डमी लोन दी और जो डमी लोन दी वही पैसे उनकी ही प्रमोटर कंपनी में डाले, कपिल, अरुणा और धीरज वाधवान। बहुत बड़े आरोप लगाए गए। या फिर ये डमी कंपनी ने क्या किया पता है, दूसरा, बहुत सारी एसेट खरीदी, पर्सनल एसेट। अरे आप लोन देते हो खुद की एसेट खरीदने के लिए, समझ में नहीं आ रहा, शेयर होल्डर के पैसे से चांस पे डांस मार ले, व्हाट इज दिस। और बहुत संगीन आरोप लगाए गए। एक तो उन्होंने श्रीलंका में वो आईपीएल की टीम खरीद ली, अपने इधर कैसा आईपीएल है, मुंबई इंडियन, दुनिया हिला देंगे हम, वैसे श्रीलंका में आईपीएल टीम खरीदी कपिल वाधवान। कपिल साहब क्या कर रहे हो, बहुत कुछ पूछना है मुझे आपसे। हाँ, तो बहुत सारी एसेट्स खरीदी गई, ओके, आईपीएल की टीम खरीदी गई श्रीलंकन प्रीमियर लीग के अंदर, एसपीएल बोलते हैं श्रीलंकन प्रीमियर लीग, और बहुत सारी डमी एसेट खरीदी। ये सब आरोप सच हुए। कोबरा पोस्ट ने 31,000 करोड़ का बोला था, उतना बड़ा नहीं हुआ, बट ऑफकोर्स 25 कंपनीज को डमी लोन दी गई 14,000 करोड़ की, जिससे खाली 1 लाख प्रॉफिट हुआ, और इन कंपनीज ने बाद में कपिल, अरुणा और धीरज वाधवान की कंपनीज में ही पैसे डाले, यानी इनडायरेक्टली शेयर होल्डर के पैसे उनके पास ही आ गए। समझ में नहीं आ रहा कितना बड़ा साजिश रचा? अभी मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाता हूं, आपको और समझ में आएगा। ये सब न्यूज़पेपर की हेडलाइंस है साहब, मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं दिखा रहा आपको। इधर देखिए, हम बहुत डिटेल में ऑफकोर्स नहीं जा रहे, बिकॉज मुझे आपको बहुत केस लेने हैं और आज खाली एक ओवरव्यू देना है। सर बाद में क्या हुआ, बाद में ऑफकोर्स कपिल, देखो पहले तो कुछ सेबी ने कुछ नहीं किया, कंपनी लॉ ने कुछ नहीं किया, बाद में प्रेशर बढ़ता गया तो ईडी ने जांच पड़ताल की है। आज कपिल, अरुणा और धीरज वाधवान बेल पे बाहर आए हैं, बेल पे, आर यू क्लियर? अभी भी उनके खिलाफ ईडी केस चल रहा है। और हमें यह सबसे वास्ता नहीं है, मुझे मेन वास्ता किससे पता है, ये देखिए, 700 रुपए शेयर प्राइस थी सितंबर 2018 में, 700 रुपए, और उधर से नवंबर 2020 में खाली 12 रुपए, 12 रुपीज फ्रॉम 700, हाउ कैन यू फॉल टू 12? अरे यार क्या होगा, वो जो काका बोल रहे थे ना मेरे, राइट, गुजरात में काका बोलते हैं, इतने पैसे डाले थे उन्होंने और वो तो बर्बाद हो ही गए, न जाने कितने लोग बर्बाद। आप सोचो ऑडिट का कितना महत्व है। आज केपीएमजी ने सच का सच लाया सामने, केपीएमजी नहीं होता तो क्या होता।
कहने का मतलब है ऑडिट का, सोचो ऑडिट हो रहा है तो इतने घपले हैं, ऑडिट ना करो तो क्या लुट गए, हाँ लुट गए, क्या लुट गए हम तेरे भरोसे पे। मुझे समझ में नहीं आ रहा इतना गलत आप कैसे कर सकते हो। देखो पढ़ते हैं थोड़ा सा। The Housing Finance Corporation is doing a fraud of 31,000 crore according to a report in Cobra Post in January 2019. Promoter of DHFL, Kapil Aruna and Dheeraj Wadhwan have siphoned off. Siphoned का मतलब घपला करना, पैसे का झोल करना. 97,000 crore through shell companies. Forensic audit done by KPMG. Forensic का मतलब investigation audit. जब fraud होता है ना तो forensic audit होता है. पैसे किधर से आए, कैसे इन्वेस्ट हुए, कौन से, एकदम डिटेल में चेक करते हैं। इन पास्ट वन ईयर 90% 90 तो नहीं है 98% वेल्थ इरोड हुई है, इसके लिए जवाबदार कौन। मैं आपको कोबरा पोस्ट और शाहरुख खान साहब, इनको तो कुछ बोल नहीं सकते, वैसे ब्रांड एम्बेसडर थे, आर यू क्लियर। मैं आपको एक बात दिखाना, कोबरा पोस्ट का हम 2 मिनट सुनते हैं ताकि आपको समझ में आए ये कितना बड़ा फ्रॉड था। नमस्कार, कोबरा पोस्ट को दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के 31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का पता चला है। सार्वजनिक धन की इतनी बड़ी हेराफेरी को DHFL ने बड़ी ही चालाकी से शेल कंपनियों के जरिए अंजाम दिया है। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना और सरकारी वेबसाइट से मिली जानकारी से इस घोटाले का खुलासा हुआ है। भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने वाले इस बड़े घोटाले की जांच बेहद जरूरी है ताकि इसमें लिप्त लोगों को सजा मिल सके और सार्वजनिक धन की उगाही उनसे की जा सके। इस कंपनी ने कई शेल कंपनीज को करोड़ों रुपए का लोन दिया और फिर वही रुपया घूमकर फिर उन कंपनियों के पास आ गया। समझ में आया होगा इनका मेन आरोप क्या था। बहुत सारी डमी कंपनी को लोन दिया जो खाली ऑन पेपर थी और बाद में वही ऑन पेपर कंपनी से DHFL के जो मालिक थे उनकी दूसरी कंपनी में पैसा गया। यानी आपके शेयर होल्डर का पैसा आपने घुमा के वापस मनी लॉन्ड्रिंग किया है आपने साहब, जिनके मालिक DHFL के प्रमोटर्स हैं। इस तरह 31,000 करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी DHFL ने खुल्लम खुल्ला की है। इसके जरिए DHFL के मालिकों ने देश और विदेश में बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर्स और एसेट्स खरीदे हैं। ये एसेट्स भारत के अलावा इंग्लैंड, दुबई, श्रीलंका और मॉरिशस में खरीदी गई है। DHFL के मामले में एक बात और खुलकर सामने आई है कि इन संदिग्ध कंपनियों को DHFL के मुख्य हिस्सेदारों ने, ये रहे तीनों, कपिल अरुणा और धीरज वाधवान, अपनी खुद की प्रमोटर कंपनियों, उनकी सहयोगी कंपनियों और अन्य शेल कंपनियों के जरिए बनाया है। कपिल वाधवान, अरुणा वाधवान और धीरज वाधवान टी अभी ये कोर्ट में बहुत सारे ट्रायल्स फेस कर रहे हैं, DHFL के मुख्य साझेदार हैं। इस तहकीकात के दौरान DHFL के इस बड़े घोटाले के सिलसिले में कोबरा पोस्ट को कुछ खास जानकारियां हाथ लगी हैं। इस घोटाले को अंजाम देने के लिए DHFL के मालिकों ने दर्जनों शेल कंपनीज बनाई, बहुत सारी डमी कंपनीज बनाई। ऑफकोर्स इन कंपनियों को समूहों में बांटा गया। इन कंपनियों में से कुछ तो एक ही पते से काम कर रही हैं। बोलो, 5-10 कंपनी तो एक ही पते पे थी, एक पते पे 10 कंपनी कैसे हो सकती है साहब। और उन्हें चला भी निदेशकों का एक ही ग्रुप रहा है। घोटालों को छुपाने के लिए इन कंपनियों का ऑडिट ऑडिटर्स के एक ही समूह से कराया गया। ऑडिटर भी कहीं ना कहीं मिले हुए थे। सर ऑडिटर तो KPMG थे। अरे वो तो इन्वेस्टिगेशन ऑडिट कर रहे थे, पहले ऑडिटर कोई और था और एक ही ऑडिटर था सब कंपनी में, ताकि एक को ही पैसे देके। ऑडिटर भी बिकाऊ थे क्या सब, मैं क्या बोलूं, आई डोंट वांट टू से, बट कम ऑन, एक सीए जब ऐसा करता है दुख होता है। इन कंपनियों को बिना किसी सिक्योरिटी के हजारों करोड़ रुपए की धनराशि कर्ज में दी। ऑफ कोर्स देंगे, बिकॉज पैसे तो उनके पास ही आने वाले थे अल्टीमेटली। आर यू क्लियर? ठीक है, हम ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल, यस बैंक। क्या बात करें दोस्तों, ये फोर्थ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। पहले तो मैं राणा कपूर का चेहरा दिखा दूं, यस बैंक का एक अगर कोई सबसे बड़ा नाम है
जिसने यस बैंक को बहुत आगे लेके गया है, जो बहुत ही रिस्की था, जो अपने ही बिजनेस पे अपने ही दम पे बिजनेस करता था। यस बैंक एक बहुत अच्छी बैंक है, खराब बिल्कुल नहीं है। अब मुझे याद आता है कितने लोग अच्छा अच्छा बोलते थे। मैं जब भी सीएनबीसी आवाज देखता हूँ एक ही जन की तारीफ होती है, राणा कपूर, राणा कपूर, राणा कपूर। थोड़ा सा हिस्ट्री में बात करते, 2004 में अशोक कपूर और राणा कपूर दोनों ने यस बैंक को चालू किया था। 2004 वाज अ गोल्डन ईयर, राइट, और बहुत ही अच्छी तरह। उसके बाद ऑफकोर्स अशोक कपूर का निधन हो गया, वो जो प्लेन क्रैश हुआ था उसके अंदर। और उसके बाद अशोक कपूर की जो वाइफ है और राणा कपूर के बीच में थोड़ा सा झगड़ा भी हुआ था कि यस बैंक का असली मालिक कौन। पर राणा कपूर ही कंट्रोल करते थे और राणा कपूर ने इतनी प्रगति की कि उनका जो नाम हुआ, फोर्थ लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक बन चुका था यस बैंक। दोस्तों ये कोई छोटी बात नहीं है। और यस बैंक में जो पैकेज लगते थे चार्टर्ड अकाउंटेंट को, ओ माय गॉड, एवरीथिंग वाज गोइंग परफेक्ट। पर कहीं ना कहीं एक बात लोगों को पता थी, या कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम हो रहा था। यस बैंक हमेशा स्ट्रेस्ड कंपनी को लोन देता था। अब आप बोलोगे स्ट्रेस्ड कंपनी क्या होता है? स्ट्रेस्ड कंपनी वो होता है जिसकी रीपेमेंट करने की क्षमता नहीं है, या वो इजीली रीपेमेंट नहीं, जो कंपनी के हालात खराब है ना, उनको लोन देने में यस बैंक एक्सपर्ट था। इसलिए यस बैंक की लोन बुक बहुत बड़ी थी, बट एनपीए उससे भी ज्यादा थे। तो बहुत सारा विचार हुआ, बहुत सारा विवश हुआ, और यस बैंक पे हमेशा आरोप लगता रहा कि आप स्ट्रेस्ड कंपनी को लोन क्यों देते हो। स्ट्रेस्ड कंपनी का मतलब जिनके हालात थोड़े खराब है उनको लोन। मैं आपको यस बैंक की लोन बुक बताता हूँ। उनका मेजोरिटी लोन किसको है पता है? एक तो डीएचएफ है, कपिल वाधवान वाली कंपनी को पैसा दिया और कपिल वाधवान डीएचएफएल। सेकंड, अनिल अंबानी की सब कंपनी को, जो सोने को मिट्टी में कन्वर्ट कर दे, वो चैंपियन अनिल अंबानी आप जानते ही हो, मुकेश अंबानी का एग्जैक्ट उल्टा, अनिल अंबानी की कंपनी को। सीसीडी को बहुत लोन दिया गया, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले। यानी जो जो खराब चीजें थी ना, उनको लोन देने में राणा कपूर चैंपियन थे। ऑफ कोर्स, और मैं क्या बोलूं, राणा कपूर ने ऐसी स्ट्रेस्ड कंपनी को लोन दिया। आरबीआई कांस्टेंट नजर रख रहा था कि यस बैंक अच्छा तो कर रही है, बट कहीं ना कहीं गफला है। 2017 में एक चीज सामने आई। सर क्या सामने आया? 2017 में आरबीआई ने देखा कि यस बैंक का एनपीए कैलकुलेशन और आरबीआई का एनपीए, एनपीए आपको पता है राइट, नॉन परफॉर्मिंग असेट। नहीं पता तो डिटेल में हम पढ़ेंगे बाद में कभी। जब कोई इंसान लोन ना दे सके तो हमें लॉस बुक करना पड़ता है, आर यू क्लियर, उसको एनपीए बोलते हैं। 90 दिन तक, अब जाना तो इतना गहराई में नहीं जा रहे, एनपीए बुक करना पड़ता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट, आर यू क्लियर। जब यस बैंक का कैलकुलेशन हो रहा था और साथ साथ आरबीआई का कैलकुलेशन हो रहा था, 3,000 करोड़ का डिफरेंस आ रहा था। आरबीआई बोल रहा था एनपीए इतना होना चाहिए, यस बैंक इतना ही दिखा रही थी। और यस बैंक ने अगर एक्चुअल एनपीए दिखाया होता तो प्रॉफिट 3,000 करोड़ से कम होता। ऐसे बहुत सारे आरोप राणा कपूर पे लगते रहे। आरबीआई बाद में 2017 में जब इतना बड़ा डिफरेंस आया, कॉन्स्टेंट निगरानी रख रहा था राणा कपूर। फाइनली सितंबर 2018, आरबीआई ने बोला अगर हमें यस बैंक को बचाना है तो इस इंसान को स्टेप डाउन करना पड़ेगा, राणा कपूर शुड स्टेप डाउन, राणा कपूर को गद्दी छोड़नी पड़ेगी, तो ही कहीं ना कहीं यस बैंक में थोड़ी सी होप है बचने। और राणा कपूर एकदम जिद्दी थे कि मुझे छोड़ना ही पड़े। यस, आरबीआई का आदेश फाइनल माना जाता है, बिकॉज हर एक बैंक का बाप कौन है, आरबीआई। और राणा कपूर कुर्सी से उतर गए। मार्च 2019 में इनके नए सीईओ आए, जो थे रवनीत गिल। और मार्च 2019 में जैसे ही हुआ है, अप्रैल 2019 में यस बैंक ने अपने जीवन में सबसे पहली बार लॉस बुक किया। सर इतनी अच्छी कंपनी तो लॉस क्यों हुआ, फोर्थ लार्जेस्ट? अरे एनपीए एक्चुअल दिखाने लगे, रवनीत गिल ने एक्चुअल नॉन परफॉर्मिंग एसेट दिखाई। बहुत सारी लोन दी गई थी बट पैसे ही नहीं आने वाले थे, तो लॉस बुक करो ना, और एक्चुअल लॉस दिखाया। और फाइनली बहुत बड़ा लॉस पाया गया यस बैंक के अंदर सितंबर 2018 में, आर यू क्लियर। जब राणा कपूर को बोला गया कि तुमको छोड़ना है, गद्दी छोड़नी है, सीईओ अब तुम नहीं रह सकते, तब बहुत सारे सवाल उठाए। क्या यस बैंक में कुछ गलत है? क्या यस बैंक में एनपीए का लोचा चल रहा है? क्या यस बैंक खराब हालात से पास हो रहा है? और आप शॉक हो जाओगे, उसी समय यस बैंक के शेयर की प्राइस थी 380 थी।
जो कोई हिसाब से कम नहीं है, 383 बहुत भारी प्राइस है, आर यू क्लियर? और तभी ही राणा कपूर एक ट्वीट करते हैं, देखिए क्या ट्वीट है। माई प्रमोटर्स शेयर्स ऑफ यस बैंक आर इनवैल्यूएबल टू मी, आई विल इवेंचुअली बिक्विथ माई प्रमोटर शेयर, मैं जीवन में मर जाऊंगा ना तो मेरी तीन जो बेटियां हैं उनको शेयर दूंगा, विथ अ रिक्वेस्ट नॉट टू सेल अ सिंगल शेयर एज डायमंड्स आर फॉरएवर, एक शेयर बेचना मत बिकॉज ये डायमंड है। यस बैंक के शेयर तो जो 10 गुना बढ़ेंगे, ऐसा जब ये गद्दी छोड़ रहे थे तब उन्होंने ट्वीट लिखा कि मेरे शेयर डायमंड जैसे हैं और डायमंड फॉरएवर होते, ठीक है साहब। और जैसे ही लॉस बुक हुआ मार्च 2019 में, इनको लगा अब इनका पोल खोल होने वाला है, और राणा कपूर थोड़े से सहम गए। नवंबर 2019 में लोगों को पता क्यों नहीं चला, ये खाली लोगों को ही पता, राणा कपूर ने जो उनके डायमंड थे, एक साल पहले वो बोल रहे थे जो डायमंड शेयर है वही सब शेयर बेच दिए, राणा कपूर कंपनी से बाहर निकल गए, जितने भी शेयर थे हर एक शेयर बेच दिया यस बैंक का, और बहुत प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट हुआ था उस समय पे लेके चले गए। ऑफ कोर्स स्ट्रेस्ड कंपनी को लोन दिया, उसका पैसा तो मिलता ही होगा, और लोगों को अभी भी भरोसा था राणा कपूर पे, यस बैंक पे, कि वो वापिस ऊपर आएगा। रेस्ट इज हिस्ट्री, उसके बाद लॉस होते गया होते गया होते गया, और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस डाले गए, 30,000 से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते यस बैंक में, यस बैंक के हालात खराब है, अभी भी खराब है, बहुत सारी बातें चल रही है SBI एक्वायर करेगा, ये एक्वायर करेगा, वो करेगा, बट जो हो गया वो तो नसीब है। 383 से 12 रुपए शेयर आ गए, 12 रुपीस, 97% रिडक्शन इन वैल्यू। मुझे वापिस एक बार बोलना है, सोचो ऑडिट करना जरूरी है, हाँ ऑडिट हुआ तो ऐसा हाल है, सोचो ऑडिट नहीं करते तो क्या होता। मुझे बहुत अफसोस होता है ये सब बातें बोलते हुए, बट ये सब हकीकत है। यस बैंक जैसी फोर्थ लार्जेस्ट बैंक में भी ऐसा होता है, ऑडिट के बावजूद ऐसा होता है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज क्या कर रही है? और जिसने भी ऑडिट किया, मुझे आपसे पूछना है आप क्या कर रहे हो? आप सोचो ये सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, खाली थियरी से ना देखे, ये सब्जेक्ट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आप शेयर होल्डर्स के पैसे के साथ खेल रहे हो, आम आदमी इतनी मेहनत से मेहनत करता है अब उसके साथ खेल रहे हो, बहुत सारी उम्मीद है एक ऑडिटर के ऊपर, ठीक है। तो ये यस बैंक का था, ऑफ कोर्स यस बैंक के ऊपर भी बहुत केस चल रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट राणा कपूर को रोज बुला रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या होगा, अभी वो जेल में तो नहीं है, बाहर है, आर यू क्लियर? आगे बढ़ते चलो, बहुत कुछ लिखा हुआ है, आई थिंक हम पढ़ेंगे, सेम ही मैंने सब बोल दिया है, ओके तो कुछ खास बाकी नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल आता है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, समीर गहलोत ये फाउंडर है इंडिया बुल्स के। मैं 5 एग्जांपल लेना चाहूंगा ताकि आपको एकदम कन्विंस कर सकूं, वैसे आप कन्विंस हो गए होंगे कि ऑडिट करना जरूरी है, ऑडिट के बिना कोई तोड़ नहीं है, बट तो भी आज मुझे रोकना। इंडिया बुल्स, समीर गहलोत बहुत ही यंग एंटरप्राइजिंग इंसान थे, ये भी आपको नहीं पता तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पैसा देता है हाउसिंग डेवलपमेंट स्कीम के लिए ताकि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट हो सके। सेम इनका फ्रॉड कैसा है पता है, DHFL सुब्रमण्यम स्वामी ने एक पिटिशन फाइल किया और नरेंद्र मोदी को भी लेटर दिया कि इन्होंने 98,000 करोड़ का फ्रॉड किया है। सर कैसे फ्रॉड किया है वापिस एक बार बता देता हूं आपको, देखो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने डमी कंपनी को लोन दिया, वापिस वही चीजें ABCDEF इनको लोन दिया, और बाद में यही जो डमी कंपनी है यानी ऑन पेपर कंपनी, एक्चुअली कुछ करती नहीं खाली ऑन पेपर, शेल कंपनी भी बोलते हैं इसको, अभी आपको ये सब टर्म्स लर्न करने पड़ेंगे या आपको समझ में आने चाहिए, हम CA के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ चुके हैं, वैसे मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। इन डमी कंपनीज ने बाद में वापिस इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को ही पैसा दिया, वापिस एक बार इन्होंने डमी कंपनी को पैसा दिया तो विद इंटरेस्ट पैसा आना चाहिए, आर यू क्लियर? किधर से आएगा, राइट? और ये डमी कंपनी बाद में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में इन्वेस्टर बन गई, सोचो समझ में नहीं आ रहा ये लोग कैसे कैसे फ्रॉड करते हैं, और यही डमी कंपनी बाद में इन्वेस्टर बन गई, समझ में नहीं आ रहा, यानी ये पैसा तो आपका आने ही नहीं वाला, तो NPA बुक क्यों नहीं करते? सुब्रमण्यम स्वामी ने वही बोला,
एनपीए बुक होना चाहिए और एनपीए बुक नहीं हुआ, एग्जैक्टली सिमिलर टू व्हाट दे हैव डन। बट इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है पता है, इधर पैसा आ रहा था एनएचबी से, नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचबी से, और एनएचबी किसका है, आरबीआई का। एनएचबी इज अ फुल्ली ओन्ड कंपनी बाय आरबीआई, यानी आरबीआई के पैसे एनएचबी को गए, एनएचबी के पैसे इंडिया बुल्स को गए, और इंडिया बुल्स ने चांस पे डांस मार ले, वो सोनी है। समझ में आया, यही तो है। यानी आरबीआई हमारे ही टैक्स पेयर का पैसा, हम दिन रात पैसा भरते हैं, दिन रात सोते हैं प्रगति, और एक इंसान साल में आता है 1,00,000 करोड़ का घपला करके चला जाता है। पिछले 5 सालों से यही कहानी। मोदी साहब आपसे भी पूछना चाहेंगे, हो क्या रहा है भारत में, आरबीआई का ही पैसा घुमा के डमी कंपनी को आया और बाद में वापस इंडिया बुल्स के पास आया। जाने तो इसको बहुत गहराई में नहीं देखेंगे, कारण एग्जैक्टली सेम फ्रॉड है। मॉर्गेज लेंडर रेगुलेटेड बाय नेशनल हाउसिंग बैंक प्रोवाइड्स लोन, शेयर होल्डर्स फाइल्ड अ प्ली इन सुप्रीम कोर्ट अक्यूजिंग समीर गहलोत फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ऑफ मिसकंडक्ट एंड मनी लॉन्ड्रिंग ऑफ 98,000। ऑफ कोर्स इनका आरोप आया कि हमारी लोन बुक ही 80,000 करोड़ की है। मेरी लोन बुक इंडिया बुल्स ने बोला 80,000 करोड़ की है, तो हम 98,000 करोड़ का फ्रॉड कर कैसे सकते। पर वो तो लोन बुक उस साल में 80,000 करोड़ की है, पहले के भी फ्रॉड हुए होंगे। आर यू क्लियर? तो ये सब था। आपको मैं बहुत गहराई में जाऊंगा तो बहुत टेक्निकल हो जाएगा, हमें यह समझना है ऑडिट क्यों होना चाहिए। समझ में आ रहा है, ये इतना मस्ती कर, इनको ग्रैंड मस्ती करने का शौक है तो ऑडिट तो होना ही चाहिए। इट इज अलेज्ड दैट फाउंडर क्रिएटेड मल्टीपल शेल कंपनीज टू विच इंडिया बुल गेव ह्यूज मनी। शेल कंपनी को पैसा दिया और उसके बाद वही शेल कंपनी से वापस इंडिया बुल में पैसा आया एज इन्वेस्टर्स। शेयर प्राइस 1,500 से 150, 90% रिडक्शन इन वैल्यू। क्या बोले, समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है ये सब हो क्या रहा है भारत में। चलो, इनके जैसे ही ये आरोप प्रूव तो नहीं हुआ, जैसे ही सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के, उन्होंने आरोप लगाया, तो इनके जो हेड ऑफिशियल थे उनसे बात हुई थी, वो आपको सुनाता हूं। बहुत तगड़ा रिसर्च करके आए हैं भाई हम आज, देखिए। थोड़ा सा सुनते ज्यादा नहीं, ताकि आपको एक फील आए कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है, और एज अ ऑडिटर जब आप सीए बनोगे आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Mr. Mittal, thanks so much for joining in. You obviously have read the letter more times than probably anybody else. The stock is due. अजीत मित्तल बात कर रहे हैं हमसे, 1,00,000 करोड़ का घपला, जीरो आप घर पे गिनना। आज बातें ऐसी हो रही है, ऑडिट सब्जेक्ट में आपका स्वागत है। भारत में कभी ना देखा गया टीचिंग आज हो रहा है। Reacting as well, how would you respond to some of the allegations that have been made in the letter by Mr. Swamy? I mean, these allegations are absolute rubbish. In the ordinary course, we won't even respond to such. But given the circumstances, I feel impelled to clarify that there can't be something as frivolous as this letter. Which, I mean, the wildest thing you can imagine is. और जैसे हर आरोपी बोलता है मैंने चोरी नहीं की, वैसे हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे ऐसा आरोप भी लग सकता है हम पे। वाह अजीत साहब, बहुत कुछ आपसे सीखना है। This guy alleges that we have embezzled 1,00,000 crore rupees out of NHB's fund. Yeah, Mr. Mittal. No, I'm agree. My point being, I think the questioning and the counter questioning on social media has also been about how the book is 80,000 crores and how is it the number of 1,00,000 crores is coming about. But that's over a period of time, right? You don't need a large book of over 1,00,000 crores to. ऐसा बोल रहे हैं हमारी बुक ही 80,000 करोड़ की है। Are you clear? और 1,00,000 करोड़ का फ्रॉड कैसे कर सकते हैं? पहले तो रकम इतनी बड़ी है कि 2-3 लोगों को टेंशन आने लगा इधर। पर आश्वस्त रहिए, हमें तो सीखना है ना भाई। एज अ ऑडिटर भले हम कमाते कम है, बट पैसा तो इतना ही बड़ा देखना है। वेलकम टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ऑडिट ऐसे ही पढ़ते have... पर वो बोल रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1,00,000 करोड़ हुए। आज आपकी लोन बुक 80,000 करोड़ है, पहले भी फ्रॉड किया होगा ना। सुब्रमण्यम स्वामी ने यही बोला है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने इतना फ्रॉड किया। सम इवेजन डन ऑफ दैट मैग्नीट्यूड, आई मीन नथिंग, नो इवेजन, नथिंग। आई टेक स्ट्रांग एक्सेप्शन टू दिस काइंड ऑफ वर्ड्स। नथिंग, 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 तीन बार बोल दिया।
साहब जो ज्यादा चोरी करता है वो ज्यादा बार बोलता है, क्या बात कर रहे हैं। बीइंग यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, वी आर ए पब्लिक फाइनेंसिंग लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। 1500 रुपए से 50, तब आप शेयर प्राइस देखा होगा अभी तो 575 था, उसके बाद सप्रू हुआ और 150 रुपए फ्री में ही बेच देते। मुझे बहुत कुछ हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है भारत चल कैसे रहा। बहुत सारे जवाब है। आप फ्यूचर ऑडिटर्स हो, आप कहीं बिक ना जाना साहब। ऑडिट सब्जेक्ट क्यों जरूरी है समझ में आया? ऑडिट होने के बावजूद ग्रांड मस्ती हो रही है हर कंपनी। हम बेवफा हरगिज न थे पर हम वफा कर ना सके। बेवफा नहीं थे पर वफा भी ना कर सके शेयर होल्डर से, क्या बात कर। मनपसंद बेवरेजेस, ओ माय गॉड, ये देखिए धीरेन्द्र सिंह इनके मैनेजिंग डायरेक्टर है। काफी छोटा फ्रॉड है ये, ओके। इनका मेन मैंगो सिप आता था, आपने सुना हो तो। मनपसंद बेवरेजेस चौथा केस स्टडी आज, इसमें तो क्या बात करूं आपको। मैंगो सिप इनका जबरदस्त ड्रिंक आता था जो फेमस था, बाकी सब फ्रूट सब ने ये इतना नहीं चलता था। आर यू क्लियर? तो मनपसंद में क्या हुआ, मई 2018, देखो मार्च 2017-18 का ऑडिट होता है, मार्च 2018 जो साल कंप्लीट हुआ, 1 अप्रैल 2017 से मार्च 2018 वो साल कंप्लीट हुआ। इनके ऑडिटर भी बिग फोर थे, बिग फोर यानी टॉप चार कंसल्टिंग फॉर्म वर्ल्ड में। आर यू क्लियर? इनसे बेहतरीन ऑडिट कोई कर ही नहीं सकता, बट बहुत सारे बड़े फ्रॉड में बिग फोर भी इन्वॉल्व थे, इसमें नहीं थे। मई 2018 में डेलॉइट ने बोला हमें सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिली, इसलिए हमें ऑडिट छोड़ना पड़ रहा। हमने जो मांगा वो नहीं मिला, सिग्निफिकेंट यानी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें मिली नहीं, इसलिए हमें ऑडिट छोड़ना पड़ा। आप एक बात याद रखना, जब जब ऑडिटर ऑडिट छोड़े ना, घंटी का सिग्नल चालू हो जाना चाहिए। ऑडिटर ऑडिट छोड़े इसका मतलब कंपनी पे घपला नहीं है, बहुत बड़ा घपला है। और ये लोगों को तभी समझ जाना चाहिए था जब ऑडिट छोड़ा, तब शेयर प्राइस आप शॉक हो जाओगे, 407 रुपए थी। 407 रुपए शेयर प्राइस हुआ करती थी मई 2018 में, और सडनली डेलॉइट का बयान आता है कि मनपसंद का ऑडिट हम नहीं कर सकते बिकॉज हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं मिली। और मनपसंद में ऐसा तो नहीं बोला कुछ गलत हो रहा है, बट लोगों को समझ जाना चाहिए था बहुत कुछ गलत हो रहा है। बाद में एज यूजुअल उनको कोई और ऑडिटर मिल गया जो गलत स्टेटमेंट पे भी साइन करने को रेडी। उतने ही टाइम में बहुत लोगों ने बोला कि मनपसंद के जो सेल्स के आंकड़े हैं, सेल्स राइट, वो एकदम गलत है। इतना मैंगो सिप बिकता ही नहीं है कि इतना सेल हो। मनपसंद के आंकड़ों पे हमें बहुत बहुत डाउट आ रहा है, और धीरे धीरे ये डाउट बहुत सही भी स्थापित होने लगा। उसके बाद मनपसंद बहुत जगह पे पकड़े भी गए धीरेन्द्र सिंह। ये लोग फेक क्रेडिट लेते थे जीएसटी का। आपको पता है जीएसटी दो तरीके से चलता है, एक तो आप कस्टमर से लेते हो, उसके बाद आप कोई माल परचेस करते हो ना उस पर आपको जीएसटी क्रेडिट मिलता है। आप जीएसटी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको समझ में आए तो, नहीं आए तो कोई टेंशन मत लेना, घपला हुआ बेसिकली। आपने 150 रुपए का जीएसटी लिया, अब आप परचेजर से माल भी लोगे, रॉ मटेरियल तो परचेस करते हैं ना धंधे में, हाँ सर रॉ ओके करते हैं। तो आपने रॉ मटेरियल परचेस किया, उसमें परचेजर को 100 रुपए का जीएसटी पे किया, 150 रुपए कस्टमर से कलेक्ट किया, 100 रुपए परचेजर को पे किया जिससे रॉ मटेरियल खरीदा, तो इसको इनपुट बोलते हैं, इसको आउटपुट बोलते हैं। अब डिफरेंस कितना हुआ साहब, 50 रुपए। तो ये 50 आपको पे करना है किसको, गवर्नमेंट को। आपने इतना जीएसटी कलेक्ट किया और इतना पे किया, जितना आपने सप्लायर्स को पे किया रॉ मटेरियल के लिए उतना। उसमें उन्होंने बोला कि इनने बहुत बड़ा घपला किया, 40 फेक यूनिट बनाए जिसमें 50 करोड़ का, फेक यूनिट्स का मतलब ऐसे यूनिट्स ही नहीं थे, जिसको यूनिट का मतलब लोकेशन, ऐसे लोकेशंस ही नहीं थे ऑपरेशनल, और उधर वो लोग जीएसटी की क्रेडिट ले रहे थे। क्या प्रूव हुआ और बहुत कुछ हो गया, ये देखो क्या लिखा है। द बेवरेज कंपनीज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ड्रिंक इन मे, जीएसटी डिपार्टमेंट अरेस्टेड कंपनीज टॉप मैनेजमेंट फॉर अ 40 करोड़ फ्रॉड एट 50 डमी लोकेशन, 30 लोकेशन।
The commissioner at Varodara said investigation under the network of 30 fake units. Fake unit बोले थे, fake location. Actual में ऐसा कोई location ही नहीं था जिससे वो credit ले रहे थे कि हम इधर से raw material ले रहे हैं. Actually कुछ raw material नहीं था, कुछ नहीं था और बहुत बड़ा आंकड़ा. और उसके बाद जैसे ही ऑडिटर ने रिजाइन किया 24 मई और 20 जून एक महीने में ही 75% शेयर प्राइस डाउन हो गई. अभी आप मैं जो बोलूंगा वो और शॉकिंग होगा. आप देखना मई 2018 में 407 शेयर प्राइस थी, नवंबर शेयर प्राइस ₹5 है, इनफैक्ट तक 5 भी नहीं है. आज ये शेयर ट्रेड ही नहीं होता स्टॉक एक्सचेंज. क्या बात कर रहे हैं, ट्रेड ही नहीं होता, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होता है जब आप लिस्टिंग नॉर्म्स फुलफिल नहीं करते. देखो अगर आपको शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाना पड़ता है तो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने पड़ते हैं. हर 3 महीने में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा, सेबी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा. और आज इनका शेयर ट्रेड ही नहीं होता स्टॉक एक्सचेंज पे. किंगफिशर जैसा है वैसा ही हो चुका है. यानी आज आपको ₹1 नहीं मिलेगा इनके शेयर के अनलेस ये लोग वापस क्लियर करके सब वापस आते हैं, जो होने का सवाल नहीं है. 99% रिडक्शन इन वैल्यू. कैसा सिला दिया ये तूने मेरी वफा का. अरे क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है. इट फील्स वेरी सैड. एट द सेम टाइम मैं आपको अच्छी तरह ये एग्जाम्पल दे तो आपको अच्छी तरह रूह में उतर रहा होगा कि ऑडिट करना क्यों जरूरी है. शेयर होल्डर अलग है और डायरेक्टर अलग है. डायरेक्टर पैसा मिसयूज करते हैं, प्रमोटर मिसयूज करते हैं, बिकॉज मेहनत से शेयर होल्डर कमाता है. इसीलिए इंडिपेंडेंट एजेंसी चेक करना चाहिए सब बराबर है या नहीं, इसीलिए ऑडिट जरूरी. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. अमित मंत्री 2.2 कैपिटल ऐसे एक फर्म का नाम है जिसके फाउंडर है. इन्होंने पहली बार मनपसंद में फ्रॉड आइडेंटिफाई किया था कि मनपसंद के सेल्स के आंकड़े गलत है. ये फंडामेंटल एनालिस्ट है जो एनालाइज करते हैं कि ये कंपनी की औकात कितनी है, क्या ये सेल्स के आंकड़े जेन्यून है. कंपनी के अंदर जाके बोलते हैं कि सही है, फंडामेंटल्स क्लियर है या नहीं. और अमित मंत्री से लाइव सुनते हैं जब उन्होंने सोचा कि क्या हुआ. अमित मंत्री साहब हमारे बीच में, देखिए लाइव. Our next guest on the show, Amit Mantri, is now with us. Mr. Mantri, what do you make of the developments at Manpasand Beverages? What are they pointing out to? Amit Mantri is a founder of consulting firm, jo bolte hain share ki price kitni honi chahiye, uska actual worth kitna hai. 2.2 capital in ki, bahut hi ek bada naam hai stock market. Yes, so you know, the developments, we have only got some recent news, which is regarding the GST invoice issues as well as tax. GST का फ्रॉड किया था, डमी क्रेडिट लिया था. आर यू क्लियर? सो एंड सीनियर मैनेजमेंट नाउ सीम्स टू बी इन जुडिशियल कस्टडी. सो ऑब्वियसली धीरेंद्र सिंह ऑफ कोर्स कस्टडी में. नेगेटिव डेवलपमेंट्स फॉर द कंपनी, बट आवर कंसर्न्स ऑन द कंपनी हैव बीन यू नो फॉर सेवरल इयर्स नाउ. वी हैव हैड इश्यूज विद द क्वालिटी ऑफ द फाइनेंशियल्स विद देम इन रिपोर्टिंग एंड वेदर द अंडरलाइंग बिजनेस वाज एज ग्रेट एज द कंपनी वाज क्लेमिंग. So in that sense, it doesn't come as a surprise to us what's happening right now. बहुत टाइम से अमित मंत्री बोल रहे हैं, मैं तो बोल ही रहा था कि इनके सेल्स के आंकड़े गलत है. अब जीएसटी का भी फ्रॉड आया. हमें हमेशा डाउट होता था कंपनी की शेयर प्राइस ₹400 कैसे जा सकती है. But yeah, not that great for shareholders of the company. Hi, Mr. Mantri, this is Bhavina as well joining in. And yes, you know, I think almost about 2 years ago, 2.2 Capital had written that note flagging off certain issues that they had observed in Manpasand Beverages. 2 साल पहले ही इन्होंने बोला था मनपसंद में कुछ तो झोल हो रहा है. And this time around, reports are saying that there's actually involvement of fake/dummy units for availing fraudulent credit and committing tax evasion. So now the rhetoric has moved towards tax evasion. Mr. Mantri, is this something as well that you had penciled in when you did your first analysis for Manpasand Beverages? Because last year when the auditors had resigned, they said that the management is not sharing information. ऑडिटर्स ने रिजाइन किया था ऐसा बोल रहे जो पता है. आर यू क्लियर? डेलॉयट ऑडिटर थे इनके. Do you think that the two may be connected and is this something you had as well unearthed when you did your preliminary analysis? Yes, you know, so one of the concerns that we had regarding Manpasand was that the revenue numbers that they were claiming seemed to be too high. And based on on-ground channel checks, you know, talking to retailers across India, particularly in states where they were operating in,
like Gujarat, Uttar Pradesh, Punjab, where they have manufacturing plants, we found it difficult to believe the overall numbers that they were reporting. So, you know, even, you know, 2016 when we had written that report, they were reporting turnover of around 700 crores. 2016 में 700 करोड़ रुपए का टर्नओवर था और अमित मंत्री 2.2 कैपिटल वाले बोल रहे हैं, हमें लग रहा था 700 करोड़ क्या उसका आधा भी सच नहीं है, बिकॉज कोई प्रोडक्ट बिकता है तो आपको दिखना तो चाहिए ना। आज एक्टिवा कोई टर्नओवर बोले तो आपको एक्टिवा रोड पे दिखती है, आर यू क्लियर, बट जुपिटर उतना टर्नओवर नहीं दिखा सकती बिकॉज जुपिटर उतना नहीं दिखता। And on ground, we were unable to get data which suggested that the report actual numbers could even be half of that number. So, you know, it's the scale of revenue for us was always a question mark. And that's something that's now being, you know, highlighted through, you know, the dummy units as well as, you know, fake invoices that you know. अब तो सेल्स के गफले हैं, ऑडिटर ने रिजाइन किया है, डमी यूनिट खोले हैं, फेक जीएसटी क्रेडिट है, बहुत कुछ है मनपसंद में गलत, मनपसंद बिल्कुल नहीं है। आर यू क्लियर, ये शेयर से हो सके उतना दूर, अब तो दूर ही रहना पड़े, ये ट्रेड ही नहीं होता स्टॉक एक्सचेंज। प्रेस रिलीज टॉक्स अबाउट राइट, यू नो, कैन यू जस्ट टेल अस दैट, यू नो, हाउ शुड वन लुक इनटू दीस कंपनीज विद दिस सॉर्ट ऑफ इश्यूज कमिंग इन, व्हाट आर द सिग्नल्स दैट यू नो वन शुड लुक फॉरवर्ड टू इन एनी बैलेंस शीट और पीएनएल, कब लगता है गफला हो सकता है, ऐसा पूछ रहे हैं सवाल। टू गेट फॉर द फुल 2-3 इयर्स बिजनेस दैट एनी कंपनी इज ऑपरेटिंग इन। Yes, so, you know, one thing is that going in itself, you know, we as investors tend to put a lot of faith into audited financial statements. We, you know, take. हमेशा इंसान ऑडिट पे बहुत भरोसा करता है, but भारत में ऑडिट भी उतना अच्छा नहीं होता, अभी ये बोलेंगे. Audited numbers to be absolutely sacrosanct. Our belief is that, in especially in the Indian markets, even audited numbers are really not of that great quality. So if you're investing on the basis of putting a large amount of reliance on audited financial statements, you will often end up investing in companies where eventually the numbers turn out to be not that reliable later on. In the case of Manpasand particularly, you know, we had seen the auditor resignation happen last year itself. And if you look at all, you know, past records of companies where auditors have resigned, a lot of bad news has later on emerged. आप एक बात समझना, जब ऑडिटर रिजाइन करेगा ना, कुछ तो खराब होने वाला है। ऑडिटर एक महिमा है, गरिमा है, विश्वास है, अखंडता है, भरोसा है, और जब वो रिजाइन करे ना, समझ जाना वो पैसा छोड़ के कोई इंसान क्यों जाएगा यार, कम ऑन, रेप्यूटेशन नाम की कोई चीज है। आर यू क्लियर? ओके, ओके, आगे बढ़ेंगे। अब बात कर रहे हैं सीसीडी की। सीसीडी इज द लास्ट एग्जांपल, विजय सिद्धार्थ अवार्ड कंपनी। सीसीडी के बारे में जितनी बातें करें उतनी कम। आर यू क्लियर? ये हमारा पांचवा केस स्टडी है जिसमें शेयर होल्डर क्या लूट गए, हाँ लूट गए। ये कुछ कंपनीज है जिसमें बहुत पैसे लुटा है। सीसीडी एक इमोशनल फीलिंग देता है, आज के जनरेशन को शायद उतना ना हो। हमारा पहला प्यार, पहला क्रश, पहला बिजनेस मीटिंग, हर चीज सीसीडी में ही होती है। सीसीडी ने जितनी यादें शायद भारत को दी है और किसी ने नहीं दी। सीसीडी अपने आप में एक एहसास है, एक फीलिंग है, एक प्यार है, एक ऑफिस का वर्क प्लेस है, एक प्यार की पहली डेट है, एक प्यार की पहली मुलाकात। सीसीडी आपको थोड़ा सा बता दूं एक बैकग्राउंड, 1700 स्टोर है इनके, 1752 स्टोर है एज कंपेयर टू, अगर आप बरिस्टा देखे तो खाली उनके 200 स्टोर है। स्टारबक्स के तो 80 है, स्टारबक्स के 80 स्टोर है, बेरिस्टा के मैक्सिमम 200 है, यानी उनसे शायद 8 गुना बड़ा है सीसीडी। अपने आप में बहुत ही अच्छा है, बट सीसीडी में बेसिक प्रॉब्लम क्या है पता है? ये पूरा जो मॉडल है वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं है, है बट कम ऑन, कॉफी से आप कितने पैसे कमा सकते हो? और सीसीडी का मॉडल कैसा है, अगर आपको सीसीडी सेटअप करना है ना तो 10 करोड़ का खर्चा लगेगा। सर 10 करोड़? अरे जगह कितनी महंगी है, ये लोग प्राइम लोकेशन पे ही अपना प्रॉपर्टी सेटअप करते हैं। एक तो आप जगह का कॉस्ट गिनो, रेंट हो तो रेंट का कॉस्ट गिनो। आर यू क्लियर? जगह के बाद उनका फर्नीचर ऐसा होना चाहिए, फर्नीचर के बाद एक लुक होना चाहिए, एम्बियंस होना चाहिए, इंसान फील गुड फैक्टर के लिए सीसीडी में आता है। उधर ऐसा कुछ भी थर्ड क्लास नहीं रख सकते। तो एक सीसीडी अगर खुद का है तो 10 करोड़ का खर्चा लगता है। अब मैं आपको एक कॉमन बात पूछना चाहूंगा,
आप 200 की कॉफी बेचो, 250 की बेचो, 300 की बेच बेच के भी 10 करोड़ तक कब पहुंचेंगे? भले कॉफी का खर्चा कुछ नहीं है, दूध इतना है या मसाला उतना, कुछ खर्चा नहीं आता, बट वो 10 करोड़ रिकवर करने में टाइम लगता है। इनका बिजनेस मॉडल थोड़ा खराब, खराब तो नहीं बोलेंगे, प्रॉफिटेबल है, बट मेन इनिशियल इन्वेस्टमेंट आने में टाइम लगता है। और इन्होंने इतना एक्सपांशन किया था कि इनके पास डेट के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। उधारी 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 उधारी, इतनी उधारी, और उधारी उधारी को मार डालेगा एक दिन, याद रखना। यही हुआ इनके साथ। 2015 में 6000 करोड़ रुपए थे इनके पास उधारी, 6000 करोड़। ये कोई छोटी रकम है क्या 6000 करोड़? आप बोलो मुझे, कोई एंगल से 6000 करोड़ छोटी रकम नहीं थी। इन्होंने कम करने की कोशिश की, 2015 में ही इनका आईपीओ आया, आपको नहीं पता तो इनिशियल पब्लिक ऑफर, और इनिशियल पब्लिक ऑफर में 1150 करोड़ या ऐसा कुछ पैसे आए थे आईपीओ से, पर तो भी उधारी इतनी थी कि वो चुकता ना हो पाया। बहुत सारे पैसे कहीं और से लिए, वापिस चलाया, वापिस लिए, वापिस। ये क्या करते थे? शॉर्ट टर्म ऑपरेशन को चलाने के लिए लॉन्ग टर्म लोन लेते थे, सॉरी लॉन्ग टर्म जो उनकी लोन है वो फिल करने के लिए शॉर्ट टर्म लोन लेते थे। बहुत बड़ी लोन है, उसका पेमेंट करना है, उसके लिए एक छोटी लोन ली, वापिस बड़ी लोन का पेमेंट, छोटी लोन। तो छोटी लोन भी होती गई, बड़ी लोन भी होती गई, लोन ही लोन। एक समय आया जब ये वापिस 3000 करोड़ रुपए पहुंच गए, इनका डेट बहुत कम हो गया। बट वापिस एक बार 2018 में वही हालात हुए और डेट बढ़ के वापिस एक बार 6000 करोड़ आ गए। आपको नहीं पता तो 2018 में ये प्रॉफिटेबल कंपनी है, इनका प्रॉफिट बोलता हूं आपको, आई लव यू फिगर है 143 करोड़, 143 करोड़ का प्रॉफिट है। बट आप एक कॉमन बात सोचो, 143 करोड़ प्रॉफिट से 6000 करोड़ कब आएंगे? डेट का फिगर इतना बड़ा था, बहुत बड़ा फिगर था ना, 6000 करोड़ कैसे रिकवर होंगे? 143 करोड़, 143, 10 साल में भी 1430 करोड़। डेट बहुत बड़ी है, प्रॉफिट हो रहा था बट प्रॉफिट इनफ नहीं था उधारी को चुकता कर पाने के लिए, और डेट बढ़ रहा था। बट प्रॉब्लम इधर से चालू नहीं, प्रॉब्लम कब चालू हुआ? जब सिद्धार्थ का एक इंसान, जो विजय सिद्धार्थ थे सीसीडी के, कप ऑफ डेट ओवरफ्लोस, आर यू क्लियर, उधारी इतनी बढ़ गई कि शायद कप के बाहर चली गई, औकात में नहीं रहे, वो 1.2 करोड़ के साथ पकड़े गए। सिंगापुर में इनका एक एम्प्लॉय 1.2 करोड़ रुपीज से पकड़ा गया और इनको पूछा गया कि भाई ये 1.2 करोड़ तुम्हारे पास किधर से आए? बोले ये विजय सिद्धार्था के पैसे, यानी इनके मालिक के पैसे ही है। सिद्धार्था के लिए प्रॉब्लम कम हो नहीं रही थी, मुश्किल से कंपनी चला रहे थे, इधर से पैसे ला रहे थे, इधर से कि ये प्रॉब्लम आ गई। इनकम टैक्स ने इनकी 20 ऑफिस पे रेड मारी, और 20 ऑफिस पे रेड मारने के बाद आप शॉक हो जाओगे, 362 करोड़ उनको मिले। 1.2 करोड़ थे ना, 362 करोड़ की अनअकाउंटेड इनकम थी, यानी ऐसे इनकम जिसका अकाउंटिंग नहीं हुआ है, ऐसा पैसा जो वो घुमा रहे थे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने के लिए, और उसके बाद उनके बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए। वो कहीं से पैसा देने को रेडी नहीं थे, पैसे कैसे दिए? उनकी लोन इतनी थी, इंटरेस्ट देने के पैसे नहीं थे, हालत बद से बदतर होते गए। ओके, प्रिंसिपल के पैसे नहीं, इंटरेस्ट के पैसे नहीं, बैंक अकाउंट सीज हो गए। उसी समय विजय सिद्धार्था ने एक और कंपनी थी उनकी माइंड ट्री, ये भी बेचने की कोशिश की बट ये भी बिक ना सकी। दूसरी एक कंपनी थी वो भी कोशिश की, बिक ना सकी। सीसीडी के कुछ स्टोर्स बेचने की कोशिश की, वो भी हो ना सका। और गवर्नमेंट जो प्रेशर दे रहा था उनको, एक बाजू प्राइवेट इन्वेस्टर का प्रेशर, एक बाजू बैंक का प्रेशर, एक बाजू गवर्नमेंट रेड पे रेड मार रही है, बैंक अकाउंट सीज हो रहे हैं। विजय सिद्धार्थ कुछ कर ही नहीं पा रहा था, उसको लग रहा था ये मैं किधर पैदा हुआ भारत के अंदर। कहीं ना कहीं देखो, प्रॉफिट होने के बाद भी अगर आपकी उधारी इतनी हो ना तो वो नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में एक सीख याद रखना, पैसा खुद के पैसे से कम ग्रोथ हो, बट इतना लेवरेज ना लो, इतना डेट ना लो, एक दिन आप बर्बाद हो जाओगे। बिकॉज डेट चढ़ते जाता है, चढ़ते जाता है, चढ़ते इंसान को लगता है वो चुकता कर पाएगा बट हो नहीं सकता। यही विजय सिद्धार्थ के साथ, रेस्ट इज हिस्ट्री। इतना प्रेशर गवर्नमेंट से था, प्राइवेट इन्वेस्टर से था, बैंकों से था, और न जाने कितने और लोगों से था, और फाइनली इन्होंने आत्महत्या कमिट कर ली।
और लिखा मैंने अपना सब कुछ दिया है, हमारी कंपनी प्रॉफिट में, बट मैं शायद चला ना सका, मैं अच्छा बिजनेसमैन नहीं था, अच्छा बिजनेस करने वाला तो था बट डेट को रीपे ना कर सका, आई गेव इट ऑल, सॉरी टू लेट डाउन पीपल, गाड़ी लेके आत्महत्या कर ली। जब ऐसे लोग आत्महत्या करते ना, जीरो टू हीरो की स्टोरी थी यार, 1750 स्टोर करना, आज भी ये स्टोर इनके हैं, बट अचानक से कोई स्टोर बिक तो नहीं जाता, और बिक भी गया तो आपको उतने पैसे नहीं आएंगे, बहुत अच्छी कंपनी, फंडामेंटल अच्छे है, बट इतने फ्रॉड हुए, ये हुआ, ये इंसान शायद होता ना तो बचा लेता, पर गवर्नमेंट इतना प्रेशर, जब आप फंस गए ना, ओ माय गॉड, हर्षद मेहता देखो ना, उसकी वेब सीरीज आपने देखी होगी तो आपको समझ में आएगा, क्या वेब सीरीज बनाई है, कि इंसान पे जब इन्वेस्टिगेशन होता है ना, केस पे केस, केस पे केस, और गवर्नमेंट की झंझट से आप कभी बाहर ही नहीं आ सकते, और यही हुआ इनके साथ। आपको मैं बताना चाहूंगा, 301 रुपए शेयर प्राइस थी और आज 15 रुपए है, 95%, और एक और बात, आज ये भी शेयर ट्रेडेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज पे, ये लोग भी लिस्टिंग के नॉर्म्स फॉलो नहीं कर सके, या खुद तो वायोलेशन किया, आर यू क्लियर, इनके शेयर भी आज मिलते नहीं, यानी आपने अगर सीसीडी में पैसा डाला हो, वैल्यू जीरो हो गई, मनपसंद में वैल्यू जीरो हो गई है। ये कुछ कंपनी थे जिन्होंने दिखाया ऑडिट होने के बाद भी, माय गॉड, आई डोंट नो, मुझे ऐसा मन ही नहीं हो रहा, ऑडिट क्यों चाहिए, इन सब कंपनी में एक ही जन बर्बाद हुआ, क्या लुट गए, हाँ लुट गए शेयर होल्डर, कैसा सिला दिया तूने मेरी वफा का, इतना प्यार किया शेयर होल्डर ने कंपनी को, कंपनी तूने क्या दिया, इसीलिए एक ऑडिट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट एजेंसी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट फर्म होनी चाहिए, चार्टर अकाउंटेंट होना चाहिए जो देखे कंपनी बराबर चले, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चांस पे डांस ना करे, आपको समझ आ रहा है ऑडिट क्यों होना चाहिए, मम्मी पापा क्यों आए, ताकि बच्चे पे ध्यान रखे, ऑडिटर क्यों आया, ताकि कंपनी पे ध्यान रखे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बराबर काम करे, एक ही हित में काम होना चाहिए, शेयर होल्डर शेयर होल्डर शेयर होल्डर, जीना यहां मरना यहां, खाली शेयर होल्डर के, इट शुड बी डन बाय इंडिपेंडेंट एंटिटी, hence we need a CA who will audit accounts of the company, इसीलिए एक चार्टर अकाउंटेंट की जरूरत है। सर CA को ही क्यों चुना गया, come on, CA वो इंसान होता है जिसने सब सब्जेक्ट पढ़े हैं, जिस पे ट्रस्ट होता है, ऑथेंटिसिटी होती है, अखंडता होती है, एक CA के अंदर भरोसा होता है, विश्वास होता है, निष्ठा होती है, प्रतिष्ठा होती है, इसीलिए CA के अलावा कोई डिग्री नहीं है जिसको ये पावर दिया गया है ऑडिट कर, ऐसी है तू बराबर ऑडिट कर, ताकि देश में कॉर्पोरेट फ्रॉड्स ना हो। आई होप आपको क्लियर। सीए में भी बोलो जान पहचान वाला होना चाहिए, इंडिपेंडेंट, ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है तो इतने घपले हैं, जान पहचान वाला तो बेच के आएगा, आर यू क्लियर, आई होप आपको समझ में आया ये एग्जांपल से, हमने आज कितने एग्जांपल लिए सर, मैंने सबको ऊपर ऊपर से जरूर पढ़ाया, बट ये बताना जरूरी था कि आई होप यू अंडरस्टैंड। BHFL, Yes Bank, India Bulls, मनपसंद, CCB, इन सब में एक ही जन लूटा शेयर होल्डर। अब हम ऑडिट की डेफिनेशन पे आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको लर्न होना ही चाहिए, कोई डाउट नहीं है इसमें। वर्ड बाय वर्ड आते हैं, ऑडिट क्या होता है, डेफिनेशन पे आते हैं, बहुत मजा आएगा। मैं आज कुछ पढ़ाने नहीं वाला, आज फील गुड लेक्चर है, आपको एक क्रक्स समझ में आना चाहिए, ऑडिट का फील आना चाहिए कि ये सब्जेक्ट क्यों जरूरी है, ये सब्जेक्ट कैसे मेरी जिंदगी बदलेगा, ये सब्जेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, क्या ऑडिट जेन्युइनली सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आई थिंक आपको आंसर मिल चुका है, इतने लोगों का पैसा टिका हुआ है तो कुछ तो ओके। ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, पहला ही वर्ड बहुत मस्त, डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट होना चाहिए इंसान, अगर डिपेंडेंट हुआ तो फ्रॉड और होंगे। सोचो मैं ही मेरे पापा का, हमारा एक होटल भी है आपको नहीं पता, 3-स्टार होटल है हमारा पोरबंदर में, सोचो मैं ही मेरा ऑडिट करूं तो, मेरे पापा की होटल का ऑडिट मैं ही करूं तो, मैं भी सीए हूं ना यार, कम ऑन, आई एम CA, आई हैव ऑल्सो डन ईसा इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, ओके, तो मैं ही मेरा ऑडिट करूं तो ऑफ कोर्स फ्रॉड होगा, मैं पापा को बोलूंगा पापा आपने इतना गलत किया है, हमारा 42 लाख का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है,
पप्पा बोले तुझे पैदा क्यों किया था, ये दिन देखने के लिए कि बाप के सामने बोल, एडजस्ट कर टैक्स, कुछ ऑडिट बॉडी कुछ नहीं साइन मार दे। मेरे पप्पा मैंने सीए किया है। चुप, पैदा मैंने किया है कि सीए, पहले पैदा हुआ कि सीए हुआ? मैंने पहले तो पैदा हुआ, बस तो करवाया ही नहीं होता तो क्या होता, और मैं कुछ बोल नहीं सकता शायद, आर यू क्लियर? यही तो है, इसलिए इंडिपेंडेंट इंसान होना चाहिए, मैं मेरे पप्पा का ऑडिट नहीं कर सकता, थर्ड पार्टी होना चाहिए ताकि वो अनबायस्ड वे में काम करे, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, आर यू क्लियर? ऑडिट इज इंडिपेंडेंट। सोचो आप ही पेपर लिखो, आप ही चेक करो, टू मच फन, कोई फेल हो गई, पेपर भी आपने लिखा और आपने ही चेक किया, वाह वाह 99 मार्क्स आए, आर यू क्लियर? इसीलिए अलग इंसान चेक करता है, वैसे ही अलग इंसान कंपनी को भी चेक करेगा। तो आपको तो लगता ही है कि आप स्कॉलर हो, बट थर्ड पार्टी को ढूंढना चाहिए, वैसे कंपनी को तो पता ही है वो अच्छी है, दुनिया में खुद को खुद की गलती कभी दिखती ही नहीं है, ये जीवन का नियम है, तो थर्ड पार्टी चेक करेगा। ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, थर्ड पार्टी एग्जाम ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी, हमें हर काम नहीं देखना, वर्कर बराबर काम कर रहा है क्या, वर्कर की एफिशिएंसी कैसी है, ए वेस्ट कम जनरेट हो रहा है, ए लाइट बिल कम आ रहा है, ये सब काम एबनॉर्मल लॉस है कि नहीं, ओके अटेंडेंस बराबर, ये सब काम हमारे नहीं है, ऑडिट इज इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियल चीजें देखनी, बाकी सब काम के लिए दूसरे टाइप का ऑडिट होता है, कंपनी देखती है, हमें खाली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से वास्ता है। ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट, किसका एग्जामिनेशन, फाइनेंशियल आंकड़े, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, कोई भी एंटिटी, प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, बाद में वो रिलायंस हो प्रॉफिट ओरिएंटेड या बीइंग ह्यूमन है जो चैरिटी करता है सलमान खान का, प्रॉफिट हो या ना हो, ओके वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज और लीगल फॉर्म, साइज वो टाटा जैसी कंपनी क्यों ना हो जो बहुत ही ऊपर है, या फिर वो पान का गल्ला भी क्यों ना हो, उसका भी ऑडिट होना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज और लीगल फॉर्म, साइज मैटर नहीं करता, लीगल फॉर्म, सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, HUF हो या कंपनी हो, आर यू क्लियर? इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज, इरिस्पेक्टिव ऑफ लीगल फॉर्म, व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज डन विथ अ व्यू ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन थेरॉन, मैंने ये क्यों किया है, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, एक मुझे ओपिनियन देना है कि भाई ऑडिट रिपोर्ट कैसा होना चाहिए, चार प्रकार के रिपोर्ट आते हैं, मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगा ये, बाकी आज का सेशन बहुत हैवी हो जाएगा, विथ अ व्यू ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन। ऑडिट करता क्यों, टाइम पास के लिए नहीं, एक ओपिनियन दे सकू शेयर होल्डर को कि यह फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे है, क्या यह फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लीन है, एडवर्स है, डिस्क्लेमर है, क्वालिफाइड है, ये सब शब्द आपको कल समझाऊंगा, बाद में समझाऊंगा, आई होप यू एकदम परफेक्ट। तो मैं ऑडिट क्यों करता हूं, ताकि मैं ओपिनियन दे पाऊं, और उस ओपिनियन पे बहुत शेयर होल्डर्स भरोसा करते हैं, इंडिपेंडेंट एजेंसीज भरोसा करती है, म्यूचुअल फंड वाले लोग भरोसा करते हैं, इन्वेस्टर भरोसा करता है, और आम आदमी भरोसा करता है, आर यू क्लियर? और वो सोचता है मैं कंपनी में पैसा डालू या तो वापिस एक बार, ऑडिट इज वॉट इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, डिपेंडेंट नहीं वर्ड बाय वर्ड, ऑफ किसका एग्जामिनेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज और लीगल फॉर्म, व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज डन विद अ व्यू ऑफ एक्सप्रेसिंग ओपिनियन, ओपिनियन क्या होता है, ऑडिट मेन, हमारा कंक्लूजन क्या है, ऑडिट रिपोर्ट देना, और ऑडिट रिपोर्ट बराबर होना चाहिए। मैं आखिरी बार बोलूंगा, व्हाट इज ऑडिट, ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ किसका एग्जामिनेशन, फाइनेंशियल, सब कुछ चेक नहीं करना, वर्कर की एफिशिएंसी अटेंडेंस मेरा काम नहीं है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, उसमें दो चीजें, प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज और लीगल फॉर्म, when such an examination is done, क्यों, with a view of expressing an opinion there. मैं आपको एक बात बोलूंगा, खाली समझाऊंगा नहीं, लर्न भी करवाऊंगा, बहुत सारे टीचर्स हैं जो अच्छा समझाते हैं बट लर्न नहीं करवाते, कुछ लोग खाली लर्न करवाते हैं बट एकदम समझाते नहीं, हमारा 2-in-1 कॉम्बो होगा, एकदम शिद्दत से समझेंगे, और लर्न तो आपको पता ही है कैसा करवाता हूं, ओके इसको लर्न कर लेंगे एक बार, डेफिनेशन नहीं आती तो मजा ही नहीं आएगा। वापिस एक बार, ऑडिट क्या है, ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन,
of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of size or legal form. When such an examination is done with a view of expressing an opinion thereon. क्यों करता हूं examination? ताकि एक opinion दूंगा. I hope you are clear. एक बार पढ़ लो, मैं आपको 20 सेकंड का समय देता हूं. मस्त लर्न करना, समय शुरू होता है. अरे सेम डेफिनेशन ठोक के आऊंगा एग्जाम में, मार्क कसम. पढ़िए. ओके, आई होप हो गया, आई होप हो चुका है. एक आखिरी बार बोलेंगे बिना देखे. व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज और लीगल फॉर्म. व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज डन विद अ व्यू ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन थेरऑन. किस पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना है. थेरऑन का मतलब आपने चेक क्या किया? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो उस पे ही ओपिनियन. ग्लोबल वार्मिंग पे ओपिनियन नहीं देना. भारत देश के अंदर हालात खराब है. सुशांत सिंह के केस में क्या हुआ? आपको ऑडिट देना है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. क्लियर है? ओके, आखिरी बार बोलेंगे. ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज और लीगल फॉर्म. व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज डन विद अ व्यू ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन थेरऑन. क्यों एग्जामिनेशन किया फाइनेंशियल का? ताकि मैं ओपिनियन दे पाऊं कि ऑडिट रिपोर्ट कैसा है, कंपनी के कामकाज कैसे. क्लियर? अब एक छोटा सा, इतने प्रकार के ऑडिट आते हैं, आपको खाली एक फील दिला दूं और उसके बाद आज का लेक्चर हम कंक्लूड करेंगे, बिकॉज मैं नया चैप्टर कल से चालू करना चाहूंगा. ठीक है? ओके, सो एक ब्रीफ ओवरव्यू ले रहे हैं, कुछ खास नहीं. लेट्स स्टार्ट. एक्सटर्नल ऑडिट, ये क्या होता है? स्टेट ऑडिट, जो कंपलसरी आपको साल में एक बार करना पड़ता है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिट. जो हमने डिस्कस किया, इंडिपेंडेंट एजेंसी आके चेक करेगी. वो एक इंसान भी हो सकता है, या उसकी पार्टनरशिप फॉर्म भी हो सकती है, या LLP भी हो सकती है, जो आके चेक करेगी कंपनी बराबर कर रही है या नहीं. ओके, बाहर के इंसान आके, देखो आपको तो लगता है कि सब बराबर है, बाहर का इंसान आके चेक करेगा तो भरोसा बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रिलायबिलिटी बढ़ेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की. जब वो बोलेगा सब सही है, तो आपको तो लगता ही आप सीए हो, बट जब ICI बोलता है आप सीए हो, तो खुशी ही अलग होती है. तो वो एक्सटर्नली चेक होता है, वैसे ही कंपनी एक्सटर्नल ऑडिट का मतलब स्टेट ऑडिट होता है, जो साल में एक बार होता है, कंपलसरी करवाना पड़ता है. आर यू क्लियर? हर कंपनी को कंपलसरी स्टेट ऑडिट करवाना पड़ता है, और ऑडिटर बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे है बाहर. इंटरनल ऑडिट क्या होता है? इंटरनल ऑडिट दो तरीके से हो सकता है. एक तो कंपनी के अंदर भी कोई लोग है, वो कर सकते हैं. ये इंटरनल ऑडिट में क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करते हो. देखो कंपनी के अंदर बहुत सारे रूल्स होंगे, रेगुलेशन होंगे, पॉलिसीज होंगे, प्रोसीजर होंगे, कंट्रोल होंगे, वो बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं, वो इंटरनल ऑडिटर चेक करते हैं. कंपनी की प्रोसेसेस बराबर है कि नहीं, परचेस की प्रोसेस तो वो फॉलो हो रही है, सेल्स की प्रोसेस फॉलो हो रही है, कंपनी के अंदर जो कंट्रोल्स लगाए गए वो बराबर है. डिटेल में मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? इंटरनल ऑडिट इज बेसिकली चेकिंग प्रोसेसेस, सिस्टम्स ऑफ द कंपनी, कंट्रोल्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के कायदे कानून नियम कंट्रोल सिस्टम पॉलिसीज प्रोसीजर, ये बराबर है कि नहीं, प्रोसेसेस बराबर है कि नहीं, कंपनी के अंदर रूल्स रेगुलेशन बराबर है. इंटरनल लोग भी कर सकते हैं कंपनी के अंदर वाले, या बाहर वाले भी कर सकते हैं, डिपेंड्स. आर यू क्लियर? तो इंटरनल ऑडिट कुछ लोगों के लिए कंपलसरी है, कुछ लोगों के लिए नहीं है, वॉलंटरी है, करवाना है तो करवा सकते. दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टेट ऑडिट कंपलसरी बाहर वाला ही करता है, ओके, और वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक करेंगे. इंटरनल ऑडिट अंदर वाला भी कर सकता है, बाहर वाला भी कर सकता है, वो कंपलसरीली फाइनेंशियल्स नहीं देखेंगे. आर यू क्लियर? फाइनेंशियल भी देख सकते हैं, बट कंपनी के कंट्रोल देखेंगे, प्रोसेसेस देखेंगे, सिस्टम देखेंगे. आर यू क्लियर? वो भी इंपॉर्टेंट है ना, खाली फाइनेंशियल डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है. इंटरनल कंप्लायंस ऑडिट, कानून फॉलो हुआ कि नहीं. बहुत बार एनवायरमेंटल ऑडिट होता है, एनवायरमेंट रूल्स फॉलो हुए. बहुत बार RBI ऑडिट करवाता है बैंकों का, कि बैंक RBI के नियम फॉलो कर रहे हैं.
और बहुत बार नॉन कंप्लायंस पाया जाता है और बहुत बड़ा फ्रॉड। यस बैंक का ऑडिट भी आरबीआई ने बोला था करो, आर यू क्लियर? तो आरबीआई भी अपॉइंट कर सकता है। कंप्लायंस का मतलब बेसिकली कानून चेक करना। देखो ये सब ऑडिट अलग अलग है, आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात, हमें सिलेबस में नहीं है ये, तो मैं ऐसे ही आपको लग रहा था कि पढ़ा हूं तो पढ़ा दिया। आर यू क्लियर? एक फील गुड आज का लेक्चर क्या है? फील गुड लेक्चर है, कॉन्सेप्चुअल। कल से तो ओ माय गॉड, आपको हर चीज में अलग दिशा में लेके जाओ। टैक्स ऑडिट, सर टैक्स ऑडिट क्या होता है भाई? टैक्स ऑडिट इज ऑल अबाउट चेकिंग टैक्स लायबिलिटी, कंपलसरी होता है ना, राइट? एक लिमिट के आप ऊपर गए तो आपको चेक करना पड़ेगा टैक्स के सब मैटर्स बराबर है या नहीं, उसको टैक्स ऑडिट बोलते हैं, टैक्सेशन के मैटर्स। ये वैसे सीए फाइनल में आएगा, इंटर में नहीं है आपको। ओके, तो एक लिमिट के ऊपर गए तो आपको टैक्स के हिसाब से भी ऑडिट करवाना पड़ता है कि जो आपका टैक्स है वो बराबर है या नहीं, टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी, कैलकुलेशंस बराबर है या नहीं, डिडक्शंस आपने लिए ज्यादा नहीं लिए, ये सब। इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट, जब जब फ्रॉड होता है, लोचा लगता है, लापसी लगता है, कोई प्रॉब्लम लगता है, तब इंडिपेंडेंट एजेंसी आके बोलेगी इनको चेक कर। जैसे सेबी को लगा कि डीएचएफएल में बहुत बड़ा घपला है तो सेबी ने केपीएमजी को बोला तुम चेक कर। इन्वेस्टिगेट का मतलब चेक करना, क्या ये फ्रॉड रियल में है, तो वो एकदम डिटेल में जाएंगे और चेक करेंगे। आर यू क्लियर? सीबीआई भी कभी कभी इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट करवा सकता है, तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब चेक करना कि क्या फ्रॉड है या नहीं, यूजुअली फ्रॉड केस में यूज होता है। हमने तो एक एग्जांपल भी लिया था डीएचएफएल में यूज हुआ था। आर यू क्लियर? सिंपल है ना, कुछ खास नहीं। और लास्ट है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट। आर यू क्लियर? ये क्या होता है? ये वैसे आपको ईआईएस में आएगा, है ना सब्जेक्ट ईआईएस एसएएम, ओ माय गॉड भूल मत जाना, राइट? उसके अंदर आपको सिस्टम के अंदर के कंट्रोल्स चेक करना, राइट? कोई भी सिस्टम है तो उसके अंदर कंट्रोल बराबर है या नहीं। आजकल सब कुछ सिस्टम से ही होता है। स्टॉक एक्सचेंज का एक दिन का टर्नओवर 2 लाख करोड़ है, फ्लिपकार्ट का टर्नओवर कितना बड़ा है, अमेजोन का टर्नओवर, बट ये सब चलते कैसे है? क्या बिल इश्यू होता है? सिस्टम्स के आधार पे चलते हैं। आर यू क्लियर? पूरे का पूरा कंप्यूटराइज्ड है, तो कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल्स बराबर है या नहीं, कंप्यूटर के अंदर सब कुछ बराबर है या नहीं, कंप्यूटर इतने करोड़ों का कैलकुलेशन कर रहा है, मैं भरोसा कैसे करूं? क्या सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, सिस्टम में कंट्रोल्स है? वो सब आप आईएएस ऑडिट में देखिए। आज पूरी दुनिया ऑनलाइन जा रही है तो सिस्टम से सब हो रहा है, तो सिस्टम भी हमें चेक करनी है कि सिस्टम बराबर है, वो इधर पड़ेंगे। आई होप आपको क्लियर है, एक ब्रीफ ओवरव्यू है। हम ज्यादातर तो स्टेट ऑडिट की ही बात करते हैं और थोड़ा बहुत इंटरनल ऑडिट, बट ये मुझे बताना जरूरी था, एक ओवरव्यू देना था कि क्या होता है। अब आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, ये सब्जेक्ट जो आपका 100 मार्क का है वो मेरी जिम्मेदारी। बहुत लोगों को लगता है ये बोरिंग है, मैं स्कोरिंग में कन्वर्ट करूंगा। बहुत लोगों को लगता है ये पूरा थियरी है, मैं पूरा प्रैक्टिकली आपको पढ़ाऊंगा, एक एक चीज आपको ऐसी दिखाऊंगा कि आपको लगेगा ओ माय गॉड। बहुत लोगों को लगता है खाली समझाऊंगा, समझा के लर्न भी करवाऊंगा। मेरा दावा है लेक्चर में ही आपका ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा, बी रेस्ट एश्योर्ड, लेक्चर के साथ साथ आपका ऑडिट पूरा हो जाएगा, और ऐसा पूरा होगा कि आपको एक अलग ही टाइप का कॉन्फिडेंस आएगा ऑडिट के अंदर, और आप सामने से बोलोगे सर आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कॉन्सेप्चुअली प्लस आई एम एबल टू लर्न ऑल्सो। बहुत रेयर कॉम्बिनेशन होता है, बहुत लोग अच्छा समझाते हैं तो लर्न नहीं होता, लर्न होता है तो समझ में नहीं आता, दोनों का यूनिक कॉम्बो खाली इधर मिलेगा। ओके, ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहूंगा। ओके, मेरे बारे में थोड़ा सा अब बताना चाहूंगा, इंट्रोडक्शन हो चुका है तो आपको समझ में आना चाहिए जो इंसान आपके सामने है, आर यू क्लियर, वो कितना पढ़ा लिखा है। आर यू क्लियर? तो मैंने सीए किया है, आई हैव डन माय चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आफ्टर दैट आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम सिम्बायसिस कॉलेज, आई हैव डन माय पोस्ट ग्रेजुएशन ऑल्सो फ्रॉम सिम्बायसिस, सिम्बायसिस टॉप 10 कॉलेज में आता है। मैंने MA इकोनॉमिक्स किया है बीकॉम के बाद, मास्टर ऑफ आर्ट्स विद स्पेशलाइजेशन इन इकोनॉमिक्स आल्सो फ्रॉम सिम्बायसिस कॉलेज, आई हैव डन ईसा इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट, ये एक कोर्स आता है ICI जो CA बन जाए ना उसके बाद। सिस्टम ऑडिट आपको करना है तो आपको स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए, एक एग्जाम देनी पड़ती है CA के बाद जिसका रिजल्ट 8-10% आता है ईसा। खाली CA एग्जाम दे सकते हैं, अभी आप नहीं दे सकते, पास होने के बाद दे सकते हैं।
मैंने ये भी क्लियर किया है ओके, पिछले 9 सालों से पढ़ा रहा हूं और एक नंबर पढ़ाता हूं साहब, इस पे तो आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए। अगर आप बोलो मैं अच्छा पढ़ाता हूं तो वो भी इंसल्ट है, बहुत अच्छा आपको खुद लगेगा, मुझे बोलने की जरूरत है ओके। पिछले 9 सालों में मोर देन 50,000 प्लस स्टूडेंट्स, न जाने कितने रैंकर्स, न जाने कितने एग्जेम्प्शंस, अब गिनती भी बंद हो जाती है जब आप इतना अच्छा करते हो। आई थिंक मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, द क्वालिटी ऑफ लेक्चर्स विल स्पीक मच मच लाउडर, और मैं इसी बात पे मानता हूँ ओके कि लेक्चर जब बोलता है तो और कोई चीज को बोलने की जरूरत नहीं होती। मैंने मेरा आर्टिकलशिप भी ENY से किया है, सो आई नो हाउ ऑडिट वर्क्स, आर यू क्लियर हाउ ऑडिट इज डन इन प्रैक्टिकल लाइफ। आई एम अ इंटर्न ऑफ अर्नस्ट एंड यंग जो एक बिग फोर है, बिग फोर आपको पता है टॉप 4 कंसल्टिंग फर्म। उधर से आर्टिकलशिप के बाद मैंने उधर ही आफ्टर CA कंटिन्यू किया ओके फॉर अ ईयर, एंड देन ऑफ कोर्स टीचिंग में आया, और उसके बाद कभी टीचिंग से नाता छूटा नहीं है, और ये जो मुझे पसंद आता है this is my passion, this is what I live for, you might be seeing in our lectures, the energy, josh, ye hamesha same rahega, last lecture tak, main itni mehnat karunga, ki aapko lagega, aapse zyada mehnat to sir kar rahe hain, aur aapki puri audit ki jawabdari, aap mujh pe chhod do, mera dawa hai, hum exemption leke aaye, 60 ke paar, agar aapko jana hai, बस आपको खाली सुनना है, आपकी मेहनत कम होगी, मेरी मेहनत ज्यादा। ऑफ कोर्स आपको मेहनत तो करनी ही है, ऐसा तो नहीं हो सकता कुछ ना करो और 60 आ जाए, तो मैं झूठ बोलूंगा, बट मेरी ओर से आपको इतना कमिटमेंट दिखेगा, इतनी बार रिपीट करूंगा, इतनी बार रिवाइज करवाऊंगा, हर चैप्टर के बाद MCQ होंगे, रिविजन होगा उस चैप्टर का, भले चैप्टर में 10 बार रिवाइज तो भी रिवाइज करवाऊंगा, और मैं आपके ऑडिट के सफर को इतना आसान बनाऊंगा कि आपको खुद लगेगा कि दिस वॉज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। थैंक यू सो सो मच, सी यू टुमारो विद अ न्यू चैप्टर, न्यू एनर्जी, न्यू बिगिनिंग, और चैप्टर 1 ऑडिट का। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो सो मच फॉर एवरी सिंगल थिंग, बहुत बहुत आभार, पसंद आए तो लेक्चर जरूर शेयर करना और बाकी लोगों को बताना, थैंक यू सो मच। We'll be right back.